We do this one quick. Okay. When are we supposed to get the ex to Bangalore? Okay, I'll get it ready for you by 6. That means we have to get it done by 4. Okay. Agar foreigners ko marna hai to paise thode zyada lagenge. हमारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट को देर हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि काम डेडलाइन से पहले नहीं हो सकता? ये वक्त बर्बाद करने जैसा है। पर शाइलॉक, तुमने आरएनडी करने के लिए कहा ही क्यों था? हाँ, क्योंकि आरएनडी में बहुत वक्त लगता है। सॉरी, क्या कह रहे थे? सर, ऐसा है कि हमें इस वक्त की बर्बादी को रोकना होगा ताकि हम तैयारी कर सकें। सॉरी, जरूरी फोन है। पता है कि इस तरह से मिलना बहुत अजीब है। वैसे मैं भी इस तरीके की मीटिंग्स नहीं करती हूँ, लेकिन पार्टी में तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा क्यों ना हम एक साथ दोनों डेट पर चलें। तो क्या हम कुछ और बातें कर सकते हैं? एक बात कहूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं। बेटा, I'm sorry. Message one. Hi सत्या, मैं श्वेता बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारा नंबर अपने दोस्तों से मिला। मुझे पता नहीं कि अब ये नंबर तुम्हारा है या नहीं। अगर तुम्हारा ही है तो मुझे तुम कॉल करोगे क्या? प्लीज, मेरा नंबर है 9949012233। मेरा बैंड बजा के तू क्या भाग रहा है? इंडिया। किस लिए? मेरी
बहन की शादी है? ए, शादी तो मेरी बहन की हो रही है, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। तेरी बहन या हमारी बहन? तू तो सैलरी कटने के डर से कहीं जाता ही नहीं, सब तेरी तरह थोड़ी ना है। एक्टिंग मत कर, ये सब मुझसे नहीं होगा। वो तो सबको पता है। पॉइंट पे आना बे। तेरी हीरोइन की याद सता रही है। अबे, उसने कहा वो मिलना चाहती है इसलिए जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। तो फिर मैं स्टेसी से क्या कहूंगा? अबे स्टेसी को तू ही ले जा डेट पे। अबे ओए, उसे हीरो के साथ सेटिंग करनी थी, मुझ जैसे कॉमेडियन के साथ नहीं करनी थी। ऑफिस वालों को क्या कहूँ? कहाँ गया तू? दीदी का नाम क्या है? Any information for him? ये English वगैरह बाद में झाड़िएगा। पहले ये बताइए तनख्वाह क्यों काटी? आप कौन है? तुम्हारा चाचा। TDS काट लिया, टैक्स काट लिया, और पैसा क्यों काट रहे हो तुम लोग? HR को सीधा फोन करते हो, समझते क्या हो अपने आपको? हर काम का एक तरीका होता है। मुझे मेल करो, मैं देख लूंगी। ओके? अरे हमें जवाब देने के लिए तुम्हें तनख्वाह मिलती है, हमें ठीक से जवाब दो। देखो तमीज से बात करो। हफ्ते में 3 दिन लेट आते हो, महीने में 2 दिन तो आते ही नहीं हो। मेडिकल लीव, ये लीव, सारे लीव लेकर छुट्टी करते रहते हो। सबसे पहले आधा घंटा ठीक से बैठकर काम करना सीख लो। How dare you? हेलो, एम्प्लॉय नंबर क्या है तुम्हारा? 50310। जो क्या कर लेगी? हेलो हेलो, ये तू चिल्ला क्यों रहा है? ए, मजे ले रहा है क्या? कान का नीचे दूंगा रख के। तू अपनी सीट से कहाँ चला गया था बे? किसी लड़की ने फोन उठाया और आधे में फोन काट दिया। ऐसे लोगों को काम पे रखते ही क्यों है यार? यार ऐसी कंपनियों में उन्हें पहले काम पर रखा जाता है जो डेढ़ छाने होते हैं। ये जो ढिंगुर खड़ा है ना, ये लोगों की जेब कम, इंस्पेक्टरों की ज्यादा जेब भरता था, इसलिए इसे झट से काम पर रख दिया। और तेरा क्या? मुझे तो इसलिए रखा क्योंकि मैं गुंडा दिखता हूँ, देखकर लगता है बहुतों को टपका है। लगता है, लगता है। अरे भाई, जिसने तेरी बैंड बजाई थी ना, वो वही लड़की है। ये वही है क्या? मेरी तनख्वाह कट गई। सत्या हो रही है, पूजा का फ्रेंड है। नहीं नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। 3 बातें हैं। What? 1, तू मुझे पसंद है। फोन पर कोई कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कितना कामली डील करती है, वो डीलिंग कमाल का टैलेंट है। 2, तू अपने बाप की जो इज्जत करती है मुझे पसंद है। आजकल की लड़कियां 4 पैसा क्या कमा लेती हैं, अपने बाप को कहती हैं हम सब संभाल लेंगी। पर आज भी एक स्कूल की बच्ची की तरह पापा के साथ घर जाना, वो डिसिप्लिन अलग लेवल की बात है। मुझे फॉलो कर रहे हो क्या? 3, फिजिक। What? ये क्या कुछ भी बकवास किए जा रहे हो? आई मीन स्ट्रक्चर। आंखों में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, होंठों के साइड में एक हल्की सी स्माइल जरूर रहती है। ये तुम्हारी बॉडी का बेस्ट कर्व है, वेरी नाइस। ये सब मुझे बहुत पसंद है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो लड़के। लड़की के बाप तो ये सब बोलते ही है। मेरा काम हो गया। इस आम से दिखने वाले चेहरे को याद रखिएगा, अब तो मुलाकात होती रहेगी। बाय द वे, आई एम सत्या, एम्प्लॉय नंबर 50310। एक्चुअली अंकल जी, मैं 3-4 बातें नहीं, सिर्फ 1 बात कहूंगा। वो आपकी टांग खींच कर चला गया। तुम कौन हो? परमजीत सिंह अब्दुल नारायण डिसूजा। डैडी, तीन बातें हैं जो मुझे तुम्हारी 3 बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1, बहुत बड़े खिलाड़ी की तरह मेरे पापा के सामने मुझे हिमात दी, बोलती बंद कर दी मेरी। तुम्हारी ये घटिया हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 2, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें गले भी लगा लिया। तुम्हारा ये एटीट्यूड भी मुझे पसंद नहीं आया। 3, यही ऑफिस में ही मुझे 2 हफ्तों से पटाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी घटिया सोच, आई डिडंट लाइक इट। और क्या बताऊं, मैं एक हाई फाइव लेवल की लड़की हूँ, बहुत ही अड़ियल हूँ, गुस्से वाली हूँ, जिद्दी हूँ, ये जानकर यहाँ के लड़के मुझसे बात तक नहीं करते। और तुमने तो मेरे पापा के सामने ही मुझसे बात करने की हिम्मत दिखाई है। ये मर्दानगी मुझे पसंद आई। मैं अपना नंबर सेव कर रही हूँ, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर सब कुछ। ए, नंबर दे रही हूँ इसलिए बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब किया ना, तो छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू भी रखती हूँ, काट डालूंगी। फोन, मेरा फोन। बाय द वे, आई एम श्वेता, HR डिपार्टमेंट।
सत्या। थैंक यू सर। हेमा दीदी, सत्या बोल रहा हूँ, चेन्नई पहुंच गया मैं। एक्सक्यूज मी, हेलो बॉस। भाई आपको कोई बुला रहा है? बॉस मैं हूँ तो मुझे ही बुलाएंगे ना। हेलो सर। हाय। इधर गाड़ी किराए पे मिलती है क्या? अच्छा आप कस्टमर है? ए छोटू चाय लेकर आ। आइडिया है क्या? आइडिया? अरे वही सर, अपना राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है क्या? ओ आईडी क्या? हाँ आइडिया वही मांग रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट चलेगा क्या? अरे पापा पासपोर्ट दे रहे हैं। ए छोटू चाय कैंसिल, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ बेटा। ठीक है भाई। वैसे भाड़ा तो 5,000 ही है, लेकिन उसके अलावा डीजल, पोल्यूशन टैक्स सब मिलाकर 10,000। 10,000? क्या सर, कार किराए पे लेने आए, वहाँ पासपोर्ट देखकर फ्लाइट के पैसे मांग रहे हो? नहीं फ्लाइट तो और महंगी है ना सर। देख बेटा मुझे चाय, ठीक है? मसाला चाय है क्या? हाँ मिलेगी सर। मसाला चाय के शौकीन है अपनी बिरादरी के। ए कोल्ड ड्रिंक अंदर रख, चाय लेकर आ। मसाला चाय वालों के लिए डिस्काउंट है। भाड़ा 2,000 दे दीजिए, आप गाड़ी ले जाइए सर। थैंक यू। आई एम बाबू खान सर। बाबू खान? शाहरुख सुना क्या? सब लोग मुझे बाबू खान ही बुलाते हैं सर, असली नाम बिस्मिल्ला खान है। बिस्मिल्ला लोगों को लंबा लगता है इसलिए छोटा रख दिया। बाबू खान अच्छा है ना? नाइस मीटिंग। हाँ नाइस नाइस। आपको गाड़ी दिखाता हूँ, आइए बैठिए सर। अंदर नए गाने की सीडी भी है। बुरा मत मानना सर, भाड़ा सिर्फ 2,000 लेता हूँ, लेकिन फिर भी कोई टाइम पर नहीं देता। कार को साइकिल समझकर ले जाता है। किसी और के पास गाड़ी लेगा तो जेब खाली हो जाएगी। जेब खाली मतलब कंगाल हो जाएगा। कंगाल से एक सीन याद आ गया, एक पिक्चर। सर सर एडवांस देते जाइए। हाय सत्या। बैठो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? श्वेता, हे आर यू ओके? सो Two cappuccino. Make it fast, huh? तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? वो ऐसे ही। अच्छे लग रहे हो। Nice. कैसे हो? ठीक ही हूँ। शादी, बच्चे, family? शादी और मैं? Family में तो मैं और मेरा दोस्त ही है। But what about you? Any kids? एक लड़की है, रिया। ओ, फिर तो हैप्पी फैमिली ना। देखो श्वेता, काफी साल गुजर गए हैं और तुम्हें आज मेरी याद आई है। ओके, फोन पर तुमने कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है तुम्हें, क्या बात है? वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी सत्या। क्या? वो रिया के स्कूल का पहला दिन था। हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके थे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कहकर वो बहुत रो रही थी। किसी भी तरह उसे मना कर मैं स्कूल ले गई। बच्ची को डर लग रहा है क्या? मम्मा साथ है ना? हाँ? स्कूल में तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे और सारे दोस्त मेरी रिया के साथ खेलेंगे। और ऐसे रोते नहीं बेटा, बस 1 घंटे में स्कूल छूट जाएगा। रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, कम ऑन डोंट क्राई। मम्मी आप मुझे कब लेने आओगी? मैं यहीं पर रहूंगी, डैडी के आते ही साथ में चलेंगे। मुझे हाई फाई करो। गुड गर्ल। ए डोरा को भी साथ ले जाओगी? ठीक है ले जाओ, वहाँ पीछे है। That's my girl. हेलो। हाँ सब ठीक है।
मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ सत्या। रिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। सत्या, आई नीड योर हेल्प। रिया को ढूंढने में मेरी मदद करो ना, प्लीज। आई नीड योर हेल्प। मैं इंडिया छोड़ के तुम्हारी वजह से गया था श्वेता, और आज वापस भी तुम्हारी वजह से आया हूँ। समझ नहीं आता उस दिन तुमने मना किया उसके लिए गुस्सा करूं या फिर इस बात की खुशी मनाऊं कि तुमने मुझे याद किया। पता नहीं, जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई है, मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द देखा। तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। दिन ब दिन रिया को वापस पाने की मेरी उम्मीद टूटती जा रही है सत्या। ना उसका कोई रिस्पॉन्स आया, ना क्लू मिला, और ना ही कोई मेरी मदद के लिए आया। आई कुडंट टेक इट। तभी मुझे तुम्हारी कही बातें याद आ गई। हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ था सत्या, पर अब वो सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गया है। तुम्हारी कही हुई बातों से ही मुझ में एक उम्मीद जागी थी। तुम्हें उस प्यार का वास्ता देकर कह रही हूँ, रिया को ढूंढने में मेरी हेल्प करो सत्या। सेल्फिश होकर नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ मैं सिर्फ तुमसे ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। 2 महीनों से मैं रिया को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भटकती रही। रिया को देखा क्या? कहीं रिया दिखी? नहीं देखा, नहीं देखा मैडम। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की थी, मैं रोज पुलिस स्टेशन जाया करती थी सत्या। कुछ पता चला क्या? आप कितनी बार पूछेंगे, इसी हिसाब से बात हो गई थी ना आपकी। लेकिन सर, मेरे पति गौतम वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ गौतम, रिया कहाँ है? रिया के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और की मदद नहीं मांग सकती। श्वेता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है सत्या, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे थे। Like they were done. हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, आप इस पर साइन कर दीजिए। What? बिना रिया को ढूंढे वो लोग इन्वेस्टिगेशन बंद कैसे कर सकते हैं? Hey, तुमको बोला था ना कल आकर के हाजिरी देने के लिए। नहीं सर, हम लोग तो परसों आए थे। वो क्लोज कर, सर मेरा भाई है। श्वेता मैडम, आइए आइए, कैसी हैं आप? सब ठीक है? मेरी बेटी का कुछ पता चला? पता चलता तो बता देते मैडम। नहीं, मुझे लगा आपको कुछ खबर मिली होगी इसलिए। केस इज क्लोज्ड मैडम। जब केस ही बंद हो गया तो आप खबर का क्या करेंगी? एक्सक्यूज मी, इतना केयरलेसली कैसे बात कर रहे हैं आप? इन्होंने अपनी बेटी खोई है। हेलो, आप कौन है? फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड मतलब? फैमिली फ्रेंड। देखिए मैडम, आप अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड को लेकर यहाँ आ जाइए। जब आपकी बेटी है ही नहीं तो हम कहाँ से लेकर आ जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है ना? हेलो, हाँ बोलो। FIR फाइल की क्या? अच्छा, इस फाइल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? सुनो, इस फाइल को स्टोर रूम में डाल दो। देख तो जो भी है तो अपने काम से काम रख, हमें हमारा काम करना आता है, समझा? सर, हाँ, ACP साहब ने बुलाया। आया। इनके केस बंद कर देने से एक माँ चुप हो जाएगी क्या? सत्या, हमें ही कुछ करना होगा। श्वेता, तुम्हारे पास रिया की फोटो है? तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस, मनी मैटर या कोई झगड़ा? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पैसों के लिए भी किसी का कोई फोन नहीं आया। तो फिर गौतम? गौतम अपने काम में ही बिजी रहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम कहो तो मैं गौतम से बात करके देखूं। तुम्हारे बारे में गौतम को कुछ नहीं पता, मैंने कभी बताया नहीं। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया, तुम उन्हें पहचान पाओगी? उन्होंने मास्क पहन रखा था सत्या, वो कौन थे मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने होश में नहीं थी। अगर पता होता क्या करना है तो मैंने वो कब से कर दिया होता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, फोन नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं। वो तुझे किसी और के लिए छोड़ के चली गई थी ना, अब उसकी बेटी किडनैप हुई है तो तू क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि वो मेरी दोस्त है, श्वेता है। तो क्या नाचू? लिसन सत्या, तू कोई सुपरमैन नहीं है जो श्वेता की दुश्मनों से लड़ेगा, उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। हाँ, उन लोग ने तेरे पे हमला कर दिया तो तुझे कुछ हो गया तो इस बारे में सोचा है? ए, उसकी सिचुएशन के बारे में सोचना। मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? इन 4 सालों में उसने कभी तेरे बारे में सोचा है क्या? देख यार, ये लड़कियां जब कोई जरूरत होती है ना तभी याद करती है। अबे
अबे ऐसा नहीं है यार। तू मेरी बात सुन, कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ और यहाँ स्टेसी के साथ सेटल हो जा, मैं फिर से तेरी सेटिंग कर दूंगा। ओके? शेख चिली जैसे जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। ये रहा। क्या हुआ सर, बहुत ही परेशान लग रहे हैं। पैसों का प्रॉब्लम है या लड़की का चक्कर? लड़की तब तो टेंशन लेना बनता है सर, दिल पर मत लीजिए ना। मन कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कहता है। तब तो मन की बात सुननी चाहिए, वो हमें कभी धोखा नहीं देता। I need your help. रिया को ढूंढने में मेरी मदद करो सत्या। hey! बाबू खान जरा गाड़ी मोड़ो। क्या बात है सर, दिल जीत गया ना। हेलो राम, मैं श्वेता को इस हालत में छोड़कर वहां नहीं आ सकता, वादा किया मैंने उसे। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, तो मेरे बारे में कुछ भी सोच, उस बच्ची को ढूंढे बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। जी कहिए। 2 महीने पहले यहां से एक बच्ची किडनैप हुई थी। बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती थी। किडनैप हुई थी कब? June 11th स्कूल के बाहर माँ पर हमला हुआ था और वो बच्ची को उठा के ले गए। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आप क्या कह रही हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप कैसे कह सकती हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? इस स्कूल के बाहर ही तो। नहीं, स्कूल के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये बताइए वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? असल में मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना था, मगर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से किडनैपिंग्स होती हैं। ये सब अफवाह है सर, आपके बच्चे की सेफ्टी की गारंटी मेरी है, नथिंग टू वरी। मैडम मैं कैसे वरी ना करूँ, यहाँ से किडनैपिंग हुई है और आज तक उस बच्ची को कोई नहीं ढूंढ पाया। ये देखिए, ये वो बच्ची, इसका नाम रिया है। आप किसी दूसरे स्कूल के इंसिडेंट के बारे में सुनकर गलत जगह आ गए हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी प्यारी बच्ची है, क्या ये किडनैप हुई है क्या? मैं कल आ जाऊंगा, सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, मैं पक्का आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जरा एक मिनट सर, 2 महीने पहले यहाँ से एक छोटी बच्ची किडनैप की गई थी, आप उस हादसे के बारे में कुछ जानते हैं क्या? तुम कौन हो? मैं दरअसल अपने बेटे को स्कूल में। वाले हो? नहीं सर, मैं सिक्योरिटी, इसे भगा दो यहाँ से। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मैं अपने बेटे को स्कूल में। सर सर सुनिए, यहाँ से सर निकले, यहाँ से सर प्लीज। इडियट, बेकार में बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं सर? कोई किडनैपिंग नहीं हुई, वो रिया को पहचानती तक नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ बताना हो या फिर वो झूठ बोल रहे हो, स्कूल के बाहर किडनैपिंग हुई है ये सच है। यानी कि वो स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, उनका बिजनेस खराब ना हो इसलिए वो झूठ बोल सकते हैं सत्या। श्वेता तुम्हारे पास रिया की और कोई फोटोज हैं क्या? फिलहाल तो नहीं। देखो कोई भी चलेगी, तुम्हारे फोन में या फेसबुक पर समथिंग। मेरे तो फ्रेंड्स ना के बराबर ही हैं। फॉरगेट अबाउट दिस फेसबुक एंड ऑल, गौतम को ये सब पसंद नहीं है। एक बार पूछा तो कहने लगे कि मैं हूं ना फिर ये सब। श्वेता मैं रिया की फोटोज मांग रहा हूं। फोटो नहीं है घर पर, एक भी फोटो नहीं है उसकी। हे बॉबी, बॉबी माय हस्बैंड्स ब्रदर, गो प्लीज गो। बॉबी प्लीज अभी जाओ, मैं बाद में कॉल करूंगी। मैं घर में जरा चेक करके जाओ।
कल रात को रेव पार्टी थी, बहुत मजा आया। एक रशियन ने क्या भारी माल दिया मुझे पता है। इट ब्लू माय माइंड। सुबह के 4 बजे तक मैं झूमता ही रहा। तुम भी ट्राई करोगे क्या? गौतम को फोन लगाऊं क्या? किस लिए? भाई को ये सब पसंद नहीं है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। Sorry. इसी वक्त जाओ यहाँ से। Sorry. Okay, okay, okay. Just get the hell out of here. Sorry. तुम जाओगे या नहीं? देखो ये सब भाई को मत बताना, ठीक है ना? मैं भी तो तेरे भाई जैसा ही हूँ ना? नहीं हूँ क्या? Naughty. Bye. Yo, sister, soul sister, I don't want a sister. Da-r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 a. गौतम जब भी बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाता है तो इसे भेजकर मेरी खबर लेता रहता है। पता नहीं इस दरिंदे से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। श्वेता, बॉबी का फोन नंबर या एड्रेस दोगी मुझे? देखो घबराओ मत, मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आया हूँ, काम बिगाड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी, सर आप श्वेता को जानते हैं क्या? वो गौतम की वाइफ, वो 8th फ्लोर वाले ना? हाँ वही। उनकी बच्ची को आखिरी बार कब देखा था आपने? क्या उनकी कोई बेटी है? नहीं सर, यहाँ हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है और हर अपार्टमेंट एक दूसरे से अलग है। सॉरी। ओके, थैंक यू। आप कौन है और आपको ये सब डिटेल्स क्यों चाहिए? हेलो बॉबी। क्या? 2 महीने पहले तेरे भाई की बच्ची किडनैप हुई थी ना? ए, कौन है तू? पुलिस वाला है क्या? हाँ? रिपोर्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया। इडियट। हेलो सत्या, कहाँ हो तुम? शादी में? हाँ, आ रहे हो? मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, दीदी जल्दी आओ। हाँ, मैं रास्ते में हूँ। हाँ, हाँ। अरे आ जाएंगे। अरे राम कहाँ है? तुम आ गए और राम नहीं आया। हाँ उसकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना दीदी, इसलिए नहीं आया। ऐसी भी कौन सी बड़ी मीटिंग है? अकेला भाई है, उसे आना चाहिए था ना। ये कोई समझेगा क्या? इनके लिए कोई नई बात है ये? पता है, ये विनीता भी दीदी। हाँ? बेसेंट नगर में एक स्कूल के सामने से एक छोटी बच्ची किडनैप हुई थी ना, उसके बारे में आपको जानते हो क्या? कौन सा स्कूल? मुझे नहीं पता। वही दीदी, बेसेंट नगर में एक प्री स्कूल के सामने से एक 4 साल की बच्ची किडनैप हुई है। पता नहीं सत्या, वैसे भी इस शहर में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है और 2 दिन में सारे केस ठंडे हो जाते हैं। खतरा कितना बढ़ गया है। पता है हा? ये भी कुछ 4 साल पहले राम के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, वो सगा भाई है तो भी नहीं आया, पर ये शादी में आ गया। अच्छा, ये कौन है? ये भी मेरे भाई जैसा ही है। पता है बचपन में ये सभी हमारे घर में मस्ती किया करते थे, तब ये इतना सा था। उस उम्र में सब इतने से ही होते हैं। ये जोक था क्या? अच्छा तुम रहते कहाँ पर हो? ए? मतलब माँ बाप भी यही रहते हैं या उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गए? चुप रहो ना, इसके मम्मी पापा नहीं हैं। तो मैंने क्या गलत किया? चुप ही रहो। सुना है कि तुमने खुद ही यहाँ से ट्रांसफर मांगा है, मुझसे बोर हो रहे हो क्या? अरे बुद्धू, मैं वहां जा ही तेरे लिए रहा हूँ। 2-3 साल अच्छे से मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और फिर तेरा हाथ मांगूंगा तो पापा मान जाएंगे। हो सकता है। ए श्वेता, आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? ए क्या बात है बे? मैंने तेरे बाप से उधार लिया क्या? क्या जवाब में एक बार भी आई लव यू नहीं बोल रही? डैड का फोन है, I'm leaving, मैं जा रही हूँ। hey, श्वेता, तू बोलती है कि तेरे बाप से मिलवाऊँ? फिर कभी कह दूँगी।
चलो तुम। श्वेता यहां क्यों आए हो? श्वेता तुम अंदर जाओ। कोई बात नहीं श्वेता, तुम यहीं रुको, हम दोनों प्यार करते हैं। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, साफ साफ कहा था ना, समझ में नहीं आया? तुम बुरे इंसान नहीं हो, पर तुम्हारी करतूत ठीक नहीं है, थोड़ी भी तमीज नहीं है तुम्हें। मेरी बेटी से मेरे सामने प्यार का इजहार करते हो, तुम्हें गलत नहीं लगता होगा, पर मुझे लगता है। मेरी बेटी का मेरे ही सामने हाथ पकड़ना तुम्हें गलत नहीं लगता होगा, पर मुझे लगता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आज अगर तुम्हारे मां बाप जिंदा होते ना, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे चरित्र का है। दिक्कत परवरिश में नहीं है सर, उसे देखने वाली आंखों में। श्वेता की स्माइल पसंद है, उसका गुस्सा पसंद है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे प्यार करना भी गलत नहीं है। आपने सिर्फ इतना देखा कि मैंने श्वेता का हाथ पकड़ा हुआ है, पर क्या अब भी आपको इतना पता है कि ये मेरे साथ कितनी बार घूम चुकी है? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है, इसीलिए मैंने आज उसका हाथ पकड़ा है। श्वेता के बिना मैं और मेरे बिना श्वेता बस जिंदगी बिता सकते हैं, बट उसे खुशी से जी नहीं सकते। देखो, श्वेता की शादी किससे होगी इसका फैसला हो चुका है। पहले मैंने सोचा कि एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लूं, पर अब जबरदस्ती शादी कराऊंगा। वो लड़का तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, हीरा है वो, हीरा। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि तुम जैसों को तो काम पर रख सकता है। श्वेता उसी के लिए बनी है, और मैं श्वेता की शादी उसी से करवा कर रहूंगा। नाउ लीव। श्वेता तुम उससे शादी करोगी ना? सोच के जवाब दो। सत्या, ये मेरी माँ की शादी की साड़ी है। तुम्हारे पापा? शादी के बाद हम उन्हें मना लेंगे। नहीं यार, कुछ प्लान नहीं किया। कहीं पहले तो हनीमून नहीं मना लिया? क्या बोला? नहीं मतलब आजकल के कपल कुछ ज्यादा ही फास्ट रहते हैं ना, इसलिए। ए रुक जा बड़ा। ए आसाना कर रहे हैं। रेडी? आजा। सत्या, मैंने एक बार कहा था ना, माँ प्यार महसूस हो रहा है सत्या अभी। आई हेट यू। भी शुरू हो जाते हैं। ए, हार की तरह गले में लटका है, छोड़ उसे। शादी होने वाली है ना, थोड़ा इंतजार करो, चलो। उल्टा लटका दूंगा तो। बेशर्म कहीं का, चल। कबाब में हड्डी। सब सिखाना पड़ता है इनको।
हम भी कुछ ऐसा ट्राई करके देखें क्या? चप्पल बाहर है। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं है, मजाक कर रहा था। चले शर्मा मत, सामने देखो। नमस्ते। नमस्ते। आज और कल का दिन शुभ नहीं है, कोई अगली तारीख देखूं? आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों के आने से शुभ मुहूर्त कैसे निकलेगा? अरे चुप करना, बकवास कर रहा है। मंदिर में भगवान के सामने खड़े हैं पंडित जी, इससे शुभ क्या होगा? श्वेता फोन। हेलो, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? श्वेता, श्वेता, श्वेता रुको, मैं भी आता हूँ। यहीं रुको। श्वेता फोन मत काटना, ऐसे रख, मुझे डॉक्टर की बात सुननी है। पापा। डॉक्टर ने स्टेज 4 कहा है, मुझे लगा था कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, पर ये तो कैंसर निकला बेटी। 6 महीने पहले ट्रीटमेंट शुरू किया होता तो शायद मैं बच जाता। श्वेता ये सब क्या है बेटा? हेलो। हेलो। हाँ दीदी। कहाँ हो तुम? हाँ आया दीदी। दीदी दीदी, अरे बैलेंस गिराते फिर सॉरी बोलते हो। एक्सक्यूज मी सर, आपका वॉलेट गिर गया। एक्सक्यूज मी आपका पर्स। सुन भाई, तुझसे कुछ बात करनी है। सर आप कौन हो? उस दिन स्कूल के बाहर वो किडनैपिंग हुई थी। अच्छा ना, सर आप तो वो हो ना जो उस दिन भी आए थे यहाँ पर। आप पुलिस वाले हो? चल अब बता, उस किडनैपिंग के बारे में तू क्या जानता है? सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। ये सीसीटीवी कैमरास काम करते हैं? 8:30 बजे की फुटेज देखा। के बीच की फुटेज कहाँ है? कैसे ये 8:30 से 12:15 कैसे पहुंच गया? बीच की 3 घंटे की फुटेज कहाँ है? उसी वक्त तो किडनैपिंग हुई थी। सर मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, एक दिन यहाँ पर पुलिस आई थी और मेरे मालिक ने मुझे यहाँ से जाने को कहा, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता सर। देख मुझे वो फुटेज चाहिए। सर वो तो मेरे मालिक वो नहीं देगा, मुझे तुझे देनी पड़ेगी। सर इस फुटेज की एक कॉपी होगी लेकिन वो मेरे मालिक के ऑफिस में होगी, बिना परमिशन के मैं वो नहीं ला सकता सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी बात सुन, मुझे वो फुटेज चाहिए, तुझे कितना चाहिए? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप पुलिस वाले हैं। क्या? पुलिस वाले हमेशा रिश्वत लेते हैं, आप पहले पुलिस वाले हो जो रिश्वत दे रहे हो। तो वीडियो आप अपना नंबर दे दीजिए सर, जैसे ही मुझे वीडियो मिलेगा मैं आपको कॉल कर लूंगा। मेरा नंबर है, कॉल करना। उसके पहले दिन की फुटेज है? इन्वेस्टिगेशन में बॉबी की स्टेटमेंट ली गई थी? वैसे स्टेटमेंट तो सबका लिया था, बॉबी का भी लिया ही होगा ना? मुझे बॉबी की स्टेटमेंट चाहिए, मुझे मिल सकती है क्या? वो क्यों, बात क्या है सत्या? इस वक्त मेरे पास भी सिर्फ सवाल ही हैं श्वेता, जैसे ही जवाब मिलेंगे तो मैं सारी बात बताऊंगा, मेरा भरोसा करो। ओके। हेलो सर। गणेश, हाउ आर यू? वेरी फाइन। चेन्नई कैसा लग रहा है? ठीक ही है, और तुम बताओ? फाइन सर। आपका असिस्टेंट सर रवि। रवि वेलकम सर।
हाँ तो रवि, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आप जैसा शैतान पुलिस वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं क्या? हाँ। किसने कहा ये? किसने कहा? ये तो मुझे ठोक देगा लगता है। जल्दी से बताओ, मुझे उनका एड्रेस फोन नंबर सब चाहिए। सर नहीं सर, दरअसल चलो फोन नंबर दो मुझे। सर नहीं है दरअसल वो खैर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सर आप एक जाबाज ऑफिसर मुझसे झूठ बोलता है। नहीं सर नहीं सर नहीं सर। सर गणेश क्या बच्चे की तरह रो रहा है? सर एसीपी आपसे मिलना चाहते हैं। बोलो आ रहा हूँ। ठीक है सर। रवि आर यू रेडी? रेडी सर। छे छे ये सब नहीं चलेगा, पुलिस वाले की तरह रहना सिखाओ इसे। गुड मॉर्निंग मैडम। चौधरी गुड टू सी यू। शंकर ओमर लैंड केस की फाइल दे दो इन्हें। ओके मैम। वेलकम टू चेन्नई। थैंक यू। गुड लक। आओ मैम, श्वेता जी आपसे मिलना चाहती हैं। भेज दो। प्लीज कम। जय श्वेता, कम कम सिट। हाउ आर यू फीलिंग? मुझे आपसे कुछ कहना है, कहो ना। अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फॉर्मेलिटी भूल जाओ सर, हम बात यहीं पर रुको। हेलो, अभी यहीं से गई। क्या हुआ मैडम? हम क्या कर सकते हैं गणेश, तुम तो उसके बारे में जानते ही हो, वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। Why are you following us? Hey! Stop! Stop! Hey, throw it fastly! Stop!
Now get up and turn around slowly. Where is Ria? I don't know. Oh, no, please. I asked, where is Ria? Tell me. Please, I don't know, please. हेलो सत्या सर, कैसे हैं आप? गाड़ी टकाटक चल रही है ना? वो अफ्रीकन लोग कौन है? हैं? वो अफ्रीकन कौन है बाबू खान? बॉबी को कैसे जानते हो तुम? बॉबी? वो कौन? नाटक मत कर बाबू खान, मैंने सब देखा। वो कोई एड्रेस पूछ रहा था, मैंने बताया। तूने एड्रेस बताया और उसने नोट दिए? वो थोड़ा मुश्किल एड्रेस था ना, इसलिए बताया। तेरा धंधा पुलिस को बताया तो? पुलिस को जाइए बताइए, शौक से बताइए। बॉबी के आदमी मुझे माल देते हैं और मैं बेचता हूँ, जिसका मुझे 10% कमीशन मिलता है। जाइए बताइए ना। यहाँ के हर एक थाने का हर एक पुलिस वाला बिकाव है सर, यहाँ खाने के लिए बैठे हैं सब। ये धंधा अभी शुरू नहीं हुआ है। आप शक्ल से शरीफ लगते हैं, इस लफड़े में मत पड़ो और दोबारा धमकी वगैरह मत देना, क्योंकि मैं हमेशा कॉमेडी नहीं करता। पुलिस का मुंह हम पैसों से बंद करते हैं और आप जैसे लोगों का, समझ गए ना? मैं तुम्हें धमकी देने नहीं आया बाबू खान। तो क्यों आए हो? तुझसे एक बात पूछनी है। Why are you following us? No, he's not following you, following me, not you, huh? Not following you, bhai, only following me. Why? Why? अचानक पूछा काले ने, क्या जवाब दूं? अरे इनसे दुश्मनी मोलने की क्या जरूरत थी? Actually बात ये है कि What? You know what the problem is? I put Facebook image. He don't like. So he come to see me. He is my wife's husband's brother's daughter. You friend, me friend, we all friend, like friend. Stop following us, or you are dead. Yeah, evil dead. Beware. Yeah, he wear underwear. साला बंदर की औलाद। औलाद not salad, salad, eat salad. ये पासपोर्ट, मैंने सिर्फ तेरे को गन दिखा के धमकी दिया था, लेकिन ये लोग तो ठोक के चले जाएंगे। एक तो तू दूर से आया और अच्छा आदमी लगा, इसलिए तेरे को बचाया। तू यहाँ काय को आया है मैं नहीं जानता, लेकिन दोबारा दिखाई दिया ना तो मैं ही ठोक दूंगा। बाबू खान, मैं आज इस वजह से आया हूँ, वो ये है, इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? इसे किसी ने किडनैप किया है? पता नहीं है, इसको ढूंढ रहा है क्या? निकल यहाँ से। बाबू खान, मुझे 2 दिन से जानता है और मेरी इतनी परवाह कर रहा है। ये बच्ची 2 महीने से गायब है यार, इसकी माँ की हालत सोची है तूने? ये बच्ची जब तक मिल नहीं जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। Hey, don't move. Vasant? You remember me? हाँ, यहाँ पर कैसे? हेमा ने मेरे लिए ये रूम बुक किया था। तुम्ही ने कहा था ना कि यहाँ के रूम सबसे अच्छे हैं। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, मेरे साथ लंच पे चलोगे? चलते हैं ना। सुपर, तुम अभी आए हो? अभी आया। तो चले। हाँ? Shall we go inside? Okay, please come. Nice room. Okay, mere bhai, shall we have some drinks? Whiskey, brandy, beer? Ji nahi, main peeta nahi hoon. Arre yaar. Toh ye kya hai? Kali chai? Fine. Shall we order dinner? Actually, I finished my dinner. Oh. So, dinner. Oh. Okay. Take rest, you need it. Shall I take this? Sir? Bill wo dega. Hello? Sir, Suresh bol raha hu. Aapki photo taiyar hai, aap dukaan par aa jaiye. Haan, abhi aaya. Thank you.
हेलो सत्या, तुम ही हो ना? हाँ। ये कैसा एड है, क्यों पब्लिश किया और ये नंबर किसका है? सच जानना है ना श्वेता? सत्या, गौतम को पता चला तो बहुत बुरा होगा। श्वेता, ये सब तुम्हारी बच्ची के लिए किया है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात सुनो श्वेता, इससे कोई तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ तो बाहर आएगा। तुम घबराओ मत श्वेता, हम रिया को ढूंढ कर रहेंगे, वो वापस आएगी, मेरा भरोसा करो। अच्छा सुनो, तुम पुलिस स्टेशन गई? मैं नहीं जा सकती, गौतम आज लौट रहा है। नहीं श्वेता, तुम आज ही पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से जो कुछ पता लगे मुझे अपडेट करो। ठीक है, जाती हूँ। गणेश, ब्रदर, ब्रेकिंग न्यूज। हेलो सर, मैंने आपका एड देखा, इनाम 10 लाख का है ना? वैसे आप पुराने नोट देंगे या नए नोट? देखिए, इन्फॉर्मेशन देंगे तो ही पैसे मिलेंगे। कौन सी इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहे हो आप? सॉरी दीदी, फोन आ गया था। क्या कर रहे हो तुम? 2 मिनट। हेलो। हेलो सर, मैंने आपका एड पढ़ा, क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? देखिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बताइए, आपके पैसे मिल जाएंगे। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, दरअसल वो फोटो मेरी बेटी की है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलना है बताइए? आप मुझे बताइए सर, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। चाय बोल दे भाई, 2 चाय देना। ए, हाँ? उसे देख। मिस्टर वसंत मूर्ति, अभी ने फोन किया था? जी सर, दरअसल 6 महीने पहले हम लोग शिरडी गए थे। okay. वहां पर मेरी बच्ची खो गई थी सर, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की और उसे हर जगह ढूंढा, इसलिए मैंने ये भी सोचा कि आपसे भी पूछ लूं। क्या आप कुछ जानते हैं सर? इनमें से एक भी फोटो में आप नहीं हैं? सर ये फोटोज मैंने ही खींची है, अगर आपको मेरी फोटो भी चाहिए तो मैं ले आऊंगा सर। रे, आपकी बेटी है क्या? जी सर, वो मेरी बेटी है। ये फोटोज कहाँ मिली तुझे? ये आप क्या बोल रहे हो? किसने दी तुझे? नहीं, मुझे किसी ने नहीं। सर को किसने किडनैप किया? वो मेरी ही बेटी है। सच बता वरना। बेटी, आप मुझे ही मार रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। सर ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, अच्छे से देखिए, ये हॉस्पिटल डिस्चार्ज रिपोर्ट, ये FIR की कॉपी जो मैंने शिरडी में फाइल की थी, वो मेरी ही बेटी है। हेलो। हेलो, मैं गौतम बोल रहा हूँ, श्वेता का पति। तुम्ही ने पेपर में ऐड दिया है ना? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैन यू कम टू माय ऑफिस? सर, ये लो जाए के पैसे। सॉरी तेरी तो आजकल लोग देख के नहीं चलते। ए, पेपर दे। हे, ये वही है ना? हाँ, लग तो वही रहा है। केरला पुलिस चेन्नई में लड़की ढूंढ रही है। पुलिस वाला है, संभल कर रहना होगा। वसंत मेनन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, त्रिवेंद्रम सिटी। आप चेन्नई शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं? हाँ, बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ। आपके कमिश्नर साहब कॉलेज में मेरे सीनियर थे, जय सिंह मेहरा, जानते हैं उन्हें? हाँ जानता हूँ। Yeah, let me call him. Hello, गौतम, कैसे हो भाई? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। और घर पर सब ठीक है ना? सब लोग ठीक है गौतम। अच्छा, सर आप मिस्टर वसंत मेनन को जानते हैं क्या? SI त्रिवेंद्रम सिटी। ओ वसंत मेनन, वो तो छुट्टी पे। ओह, वो चेन्नई गया है एक शादी में। ओके okay. hey, गौतम कैसा चल रहा है भाई? आप जरा उनसे बात करेंगे क्या? अच्छा, तो वो वहीं पर है? हाँ क्यों नहीं। हेलो सर, वो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। ओके गौतम, आई विल कॉल यू लेटर। कोई तो इंपॉर्टेंट मीटिंग बोल के फोन काट दिया। आप श्वेता को कैसे जानते हैं? एक रेस्टोरेंट में कैजुअली मिले थे हम लोग, तो उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी किडनैप हुई है, तो
ऐसे ही मदद करने लगा मैं। वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरे अपार्टमेंट में मिस्टर श्रीनिवास से बात की थी। श्वेता ने कहा कि यहाँ की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है, तो सोचा आपके पड़ोसियों से पूछताछ की जाए, शायद कुछ पता लग जाए। जब पेपर में ये एड आई तो मुझे इंडिया आना ही पड़ा मिस्टर वसंत। अब मैं कैसे बताऊं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। व्हाट? यस, वी डोंट हैव अ डॉटर। 2 महीने पहले 11 जून को जब श्वेता कार ड्राइव कर रही थी तो मैंने उसे कॉल किया था। वो कहीं कार रोककर मुझसे बात कर रही थी, तब अचानक किसी ने उस पर अटैक किया और वो कार लेकर वहां से फरार हो गया। 7 दिनों तक वो कोमा में थी। एक्चुअली उसी दिन हमारी बच्चे को लेकर कुछ बात हुई। मैंने कहा लेट्स हैव अ चाइल्ड, आई वॉन्टेड अ बॉय एंड शी वॉन्टेड अ गर्ल, मे बी इट्स ऑल इन द माइंड यू नो। जब वो कोमा से बाहर आई तो मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है पूछती रही। उसकी सोच ही बदल चुकी थी, डॉक्टर्स ने कहा उसे गहरा सदमा पहुंचा है। श्वेता प्लीज, श्वेता वी डोंट हैव अ चाइल्ड। श्वेता वी हैव अ डॉटर गौतम। नो वी डोंट श्वेता, हमारा कोई बच्चा नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो पुलिस को मुझ पर ही शक हुआ। हम यूं ही तो कोई कहानी नहीं बना सकते ना। उन्हें 1 महीने बाद सच का पता चला, वो सदमे का शिकार हुई है ये उन्हें बाद में पता चला। जब बेटी है ही नहीं तो उसे कहां से लेकर आएंगे। पिछले ही हफ्ते कोई फोटो देखकर ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है कहकर जिद कर रही थी। मिस्टर वसंत, कहते हैं जब तक आंखों से ना देखो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार हम अपने मन की बातों पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे वो बात सच हो या कोई कहानी। सो आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, वी डोंट हैव अ डॉटर। तो ये सब एक कल्पना है? आप कह रहे हैं कि ये सब श्वेता के दिमाग में चल रहा है? तुम तो उससे मिल चुके हो, तुम्हें वो कैसी लगी? नॉर्मल थी क्या? कैसी हैं आप? ओके, थैंक्स। मिस्टर वसंत, हाँ? ऐसे पेपर में हाथ डाल के उसकी लाइफ को और बदतर मत बनाइए प्लीज। सॉरी। तुम्हारे पास फोन में, फेसबुक पर, यहाँ तक कि घर पर भी फोटो नहीं है। जब मैंने बॉबी के बारे में पूछा तो तुमने घर से बाहर निकाल दिया। पेपर में ऐड देखकर घबरा गई तुम। जब मैंने पूछा गौतम क्या करते हैं तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। श्वेता रिया को आज तक किसी ने नहीं देखा, प्रिंसिपल उसे पहचानती तक नहीं। गौतम का कहना है कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है, और उस सीसीटीवी फुटेज में मुझे कोई बच्ची नहीं दिखी। वो कार की बैक सीट पर जाकर छिप गई थी सत्या, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, वो घबराई हुई थी। श्वेता, वो तुम्हारी गाड़ी चुराने आए थे, तुम्हारी बच्ची को किडनैप करने नहीं। मेरा विश्वास करो सत्या, प्लीज। कैसे मान लूं श्वेता? एक फोटो दिखाकर तुमने कहा कि वो तुम्हारी बच्ची है, और वही फोटो दिखाकर एक और आदमी कहता है कि वो उसकी बच्ची है, और वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा था, उसके पास सारे प्रूफ थे, मैं किसका भरोसा करूं? वो सब झूठ बोल रहे हैं सत्या। तो क्या सिर्फ तुम सच कह रही हो? उस दिन बॉबी का स्टेटमेंट मांगा था ना, उस दिन क्यों पुलिस स्टेशन नहीं गई तुम? मैं गई थी, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी एक बेटी है, नॉट इवन गौतम। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने श्वेता? क्योंकि मैं डरी हुई थी। 4 साल के बाद मेरे दोस्तों को बताया कि मेरी एक बेटी है, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, फिर तंग आकर मैंने तुम्हें कॉल किया था, और तुम भी यही बातें कर रहे हो। श्वेता, नहीं हो रहा सत्या, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी खातिर आंखें बंद करके सोचो, कुछ भी याद आए तो मुझे बताओ प्लीज। Thank you.
मुझे अपनी बच्ची दिखाई दे रही है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना श्वेता? लियू मी अलोन। श्वेता मेरी बात सुनो। लियू मी अलोन प्लीज। श्वेता की वाकई एक बेटी है। श्वेता, श्वेता ये सब क्या है? श्वेता जिस पर यकीन किया उसी को मुझ पर यकीन नहीं है। श्वेता नहीं, श्वेता तो श्रीमान जी, वो क्या है ना, मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, लोग मुझे सर फिरा भी कहते हैं। सही कहा ना रवि? यस सर। अगर सच सच नहीं बताया ना तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। चल मेरे सवालों के जवाब दे। तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या क्यों की? बस 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 कर, ज्यादा पानी पिएगा तो बोलेगा कि सुसू आई है। टाइम क्या हुआ रवि? 3:10 सर। देखा उसने कैसे मेरे सवाल का जवाब दिया? तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक दूंगा कान के नीचे, अकल ठिकाने आ जाएगी। चल बता, तेरी पत्नी मरी तो कहां था तू? मैं दुबई में था। रवि सर, दुबई की सारी फ्लाइट्स की डिटेल निकालो। ओके सर। वैसे दुबई में क्या काम था? वी हैव अ मेन ऑफिस देयर। ओ रवि सर, मेन वहां है। ओके सर। खैर, तेरी गैर हाजिरी में यहां कौन आता है? कोई नहीं। रवि नोट किया ना? कर लिया सर। झूठ बोलेगा। तेरे वॉचमैन ने तो कहा कि तेरा भाई आता जाता रहता है। सर भाई के आने से क्या प्रॉब्लम है? बराबर, आने से क्या प्रॉब्लम है, पर आज आया था क्या ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं जानता क्या रवि? सर रवि 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 यही है। ठीक है सर। यही मुजरिम है। हाँ सर। इसी ने धक्का मारा। यू नो व्हाट, लेट मी कॉल माय लॉयर। ओ पंखा चला दूं सर? बहुत गर्मी हो रही है। फोन रख, फोन नीचे रख। कौन है बे तेरा लॉयर? दोनों को पकड़कर एनकाउंटर करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। तभी फाइल दे, पकड़, साइन कर। तू अपना फोन ऑन रखेगा, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। जब भी थाने बुलाऊंगा हाजिर हो जाना, और बेकार के बहाने नहीं चाहिए। तूने ही धक्का मारा है, अगर ये बात साबित हो गई ना। रवि सर, तुम्हें भी वहीं से फेंक देंगे। अब हम जा रहे हैं, प्यास बुझा ले अपनी। सर ये विक्टिम का मोबाइल फोन है। इस फोन से किया हुआ ये आखिरी कॉल। ओके सर। जल्द से जल्द डिटेल्स निकालो और मेरे पास। ठीक है सर।
मैं तुम्हें ही फोन लगा रहा था रवि। सर क्या उस नंबर की डिटेल है सर? किसी सत्या नाम के आदमी का है सर। नया सिम है, उसका एड्रेस और दूसरा नंबर सब इसी में है सर। सर वो एड्रेस सही होगा क्या सर? तुम्हें क्या लगता है? पूछताछ तो तुमने की है ना, सर? तो तुम्हें पता होना चाहिए, पुलिस वाले हो। सर, ए रवि, क्या बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है तू? सॉरी सर। ए, एक्टिंग कर रहा है? बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। जा मुंह धोकर काम पर लग जा। जा। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम, मिस्टर सत्या है क्या? आप कौन है? उनसे मेरी बात हुई थी। एक अच्छा स्कीम है, उसी के सिलसिले में फोन कर रहा था। नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। मैडम मैडम मैडम, ऑफर क्या है ये तो सुन लीजिए। पूरे 50,000 की 3 साड़ियां हैं और कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से 2 सोने की चेन है और घर की औरतों के लिए 2 सोने के हार के सेट भी हैं। मैं कूपन लेके आ रहा हूँ आपके पास। मैडम सोच रही है। नंबर 6 रिवर व्यू रोड, कोटरपुरम, चेन्नई 85। थैंक यू मैडम, एड्रेस मिल गया। रवि, ऑफर के नाम से अच्छे अच्छे दौड़े चले आते हैं, चला जा। वसंत नगर के शांति टावर में 12 माले पर रहने वाली एक श्वेता नाम की औरत ने अपने घर की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से वहां के रहने वाले लोगों में दहशत फैली हुई है और इस घटना को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू है। श्वेता की आत्महत्या को लेकर जब पुलिस ने उनके पति गौतम से उनका बयान लिया तो उनका बयान सुनकर पुलिस दंग रह गई। उन्होंने बताया कि श्वेता की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती थी। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते सर। बाबा खान, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। अब अंदर आऊं क्या? बोलो। मैं हर 2 साल में हज जाता हूं सर। मैं राम, जीसस, अल्लाह, भगवान में फर्क नहीं समझता, लेकिन भगवान की नजर में पाप तो पाप होता है ना। और मैं बहुत बड़ा पापी हूं। स्मगलिंग जैसे गैरकानूनी काम बहुत किए, पर मैं किसी की मौत की वजह नहीं बना हूं सर। आपसे सच छुपाने की वजह से किसी की जान जाएगी ये सोचा भी नहीं था। ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? आपने एक बार एक बच्ची की फोटो दिखाई थी ना, अगर मैं उस दिन सच बता देता तो श्वेता मैडम की जान नहीं जाती ना सर। तुम श्वेता को कैसे जानते हो? सिर्फ उनको ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। अल्लाह कसम खाता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उस बच्ची को देखा था सर, देखा था। सलाम भाई। पहुंचाने के बाद फोन करना। ठीक है भाई। Your money. What do you want us to do with the girl now? I ask you to come at 2:00. You're early. Go, take her inside. वो वही बच्ची थी सर। भाई, वो छोटी बच्ची। अपना मुंह बंद रखना। बेचारी श्वेता मैडम, वो कितनी बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती थी। अरे कहा ना नहीं आ सकता। अरे नहीं सर, आई। वहां एक हवालदार अपना दोस्त है, उसने बताया। बच्ची नहीं मिली, पुलिस ने भी मदद नहीं की। गौतम झूठ बोल रहा है। कितने लोगों ने उसे धोखा दिया है। सब लोगों ने उसे पागल समझा होगा बाबू खान। मैंने भी उसे धोखा दिया। उस दिन क्यों नहीं बताया यार? मौत के डर से सर। तो आज क्यों बता रहा मुझे? क्योंकि मेरी वजह से किसी की जान गई। तो रिया इस वक्त जिंदा तो है ना? पता नहीं सर, उसके बाद मैंने उसे देखा भी नहीं है, लेकिन बॉबी जानता होगा सर। किसको फोन कर रहे हैं सर? बॉबी को।
स्विच ऑफ। सर मैं जानता हूं बॉबी कहां मिलेगा। किस तरह उसे पकड़ना है चाहे कुछ ठीक है। ये कौन है? वसंत मेनन। मुझे समझकर इसे मार दिया उन लोगों ने। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले बॉबी को जाके ढूंढना पड़ेगा। चलो आइए सर। हेलो। किसे मारने को बोला था? किसे मार दिया? हाँ दीदी। सत्या घर में पुलिस आई है। ये वो आदमी नहीं है जिसे मैं कॉफी शॉप में मिला था। तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में? काम ढंग से करना नहीं आता तो काम लेते क्यों हो? ये लोग कोई सुसाइड मर्डर की बात कर रहे हैं। आप रखो आता हूं। एक हजूर चलट। हिमा दीदी के घर पुलिस पहुंच गई है। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है जो सब लोग छुपा रहे हैं। कोई बड़ा सच है जो सब लोग मिलकर दबाना चाहते हैं। बॉबी को पकड़े बिना हमें सच पता नहीं लग पाएगा। बाबू खान तुम किसी तरह बॉबी को ढूंढो प्लीज। ठीक है सर। Came to tell you a secret. What? I know who killed brother. Bako me. Get out of here before I kill you. Bobby. What? Bobby killed brother. हाँ बोलो ना, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ। गणपति बाप क्या हो रहा है दीदी? मोरिया। तुम ही सत्या हो क्या? लवे माचिस है क्या? मेरे पास लाइटर है सर। श्वेता ने मरने से पहले तुम्हें फोन किया था। क्यों किया था? सिम कार्ड का एड्रेस यहां का है और तुम होटल में रह रहे हो। हेलो। बहरे तो नहीं हो ना? वो तुम्हें बार बार फोन क्यों करती थी? बॉयफ्रेंड हो क्या? सीक्रेट है या सब खुल्लम खुल्ला? ये सब गौतम को पता है क्या? ये बिंदास सेटिंग कैसे कर लेते हो? रवि सर हमें तो कोई मिलती ही नहीं। चलो मिल भी गई अगर इतना सीरियस रहूंगा तो भाव देगी क्या? सर इसके जैसा होना चाहिए। ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं, एक टाइम पास के लिए पटाने वाला और दूसरा महल अंदर करने वाला। वैसे तू किस टाइप का है, पटाने या खाने वाला? हेलो दोनों है क्या? एक बात सुन ले, अपना केस सॉल्व करने के लिए उसके बारे में बकवास मत कर। तो मुझे क्या चाहिए तू समझ गया? रवि सर। रवि 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 यही है, यही मुजरिम है। चल थाने चलते हैं। हाथ हटा। Is Bobby inside? Why Bobby in here? Bobby wants him to come. Come. Hey, police! 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 तुम भी ना। आई टोल्ड यू नॉट टू सी मी हियर।
I'm hiding. And what is Babu Khan doing here? Why did you kill my brother? What? Why did you kill Ola? What are you talking about? Hey! What the hell, man? मैंने एक छोटा सा झूठ बोला और ये मान भी गया। अब तुझे देखकर हंसने का मन कर रहा है। लेकिन मैं हंसूंगा। Hey, hey! पता है क्यों? उसे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। Hey, he's lying. This guy is lying, man. Don't believe him. No, I'm not lying. See, I tell truth. He angry bad on me. Hey. ये अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। आज तेरी कहानी खत्म, तू पक्का मरेगा। तुझे तो बहुत मारूंगा, याद रखना। See, he says he killed your brother badly. He's lying, man. This guy is lying, man. No, very, very badly, like Jackie Chan. My brother died badly. You die worse. Hey, hey, please, please, don't shoot. I didn't kill your brother. You dish him him badly, but don't shoot. I didn't kill your brother. Hey, अगर तेरा बस चलता ना, तो तुम मुझे मार देता। श्वेता, तुम्हें क्यों कॉल किया करती थी? मैडम, लगता है कि ये प्यार से मुंह नहीं खोलेगा। क्यों ना इसको शौक देते हैं, बहुत दिनों से किसी को टॉर्चर नहीं किया। चौधरी, तुम कहां से आए हो, होटल में क्यों ठहरे थे और श्वेता से तुम्हारा क्या रिश्ता है? और चौथा सवाल, चौथा क्या था रवि? यही कि वो नीचे गिरी कैसे। हाँ, जब श्वेता नीचे गिरी तो तू कहां था? जब उसकी बेटी किडनैप हो रही थी, तू कहां था? हाँ, टॉयलेट में था। प्रेशर बहुत फुल था, रात की हैदराबादी बिरयानी पची नहीं। सवाल करने का काम मेरा है, तो सिर्फ जवाब दे। और क्या रट लगाए रखा है, उसकी बेटी किडनैप हुई? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पागल है, ये रिपोर्ट में भी मेंशन है। तुझे कैसे पता वो मेंटल? तूने देखा उसे? कभी पर्सनली बात हुई तेरी? ऐसी एक्टिंग करने के लिए कितनी रिश्वत ली है तूने? ए ऊपर वाले, रवि, लगता है इसको बहुत खुजली हो रही है। मेरे सामने हीरोइज्म दिखा रहा है। इसे कह दो कि मुझे ये सब पसंद नहीं। दिमाग फिर गया ना तो इसका फेरा डालूंगा मैं। सॉरी सर। अरे तू क्यों सॉरी बोल रहा है? लड़ना चाहता है क्या? लड़ना है? चौधरी, सॉरी, हम अपना काम कर रहे हैं। सच्चाई निकालने का यही एक तरीका है, इन पर ध्यान मत दो। हम श्वेता की मौत की तह तक पहुंचना चाहते हैं। We need your help. उस बच्ची को खोए हुए 2 महीने हो चुके, तब तो आपने कुछ नहीं किया, अब क्या काम कर रहे हैं? इस केस को बंद हुए 1 महीना हो चुका है और रिया नाम की कोई लड़की है भी नहीं। सत्या, दरअसल श्वेता ही मेंटली वीक थी। ओह, आप भी बिकी हुई हैं। कितना पैसा दिया होगा? 1 करोड़ तो दिया होगा ना उस गौतम ने? सत्या, तुम इमोशनल होकर बात कर रहे हो और मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ। हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, हमें उस लड़की की कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रिया नाम की एक लड़की है, ये बात मैंने प्रूव कर दी। तो बहुत बद्दू आ रही है। ओ, जिंदा है? हाँ, जिंदा सर। लेकर आ रवि। हाँ लाया सर। नहीं, ये बॉबी गौतम का भाई है, श्वेता की बेटी रिया थी, ये बात यही आदमी जानता है। एविडेंस के बगैर हम अरेस्ट नहीं कर सकते। इसका धंधा करता है, फिलहाल इतना ही माल है, बाकी इसको पूछ सकते हो। ये एविडेंस काफी है या ड्रग्स के साथ इसके सेल्फी भी चाहिए? इतना काफी। क्या वो हमें देख सकता है? नहीं दिख रहा। किसी से पूछिए ना। अबे, अंदर से नहीं दिख रहा ये कह रहा हूं। ओ, क्योंकि वो हमें देखेगा तो सच नहीं बोलेगा। एक नंबर का संकी है। रिया कहाँ है? यहाँ तो नहीं है सर। पॉकेट में चेक कर रहा है, साला गटर की पैदाइश। वो लड़की कहाँ है? मुझे एक शॉट दे दो, बता दूंगा। अच्छा, पुलिस अब यही काम करने के लिए बची है। चल ठीक है, मिल जाएगा। अब सुन, अगर तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा। बस रिया कहाँ है बता दे। देख, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। मैं सच बताऊंगा सर। गुड, बताऊंगा। बता। इनमें से एक चुनिए ना, चुनिए ना सर। Oh, my God.
उसे पागलों की तरह मार रहे हैं। हमारा काम करने दोगे? पुलिस वालों के साथ मजाक करता है, पर तू जानता नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है। जो पुलिस का मजाक उड़ाता है चौधरी, बताओ उसके साथ क्या करता हूँ मैं? चौधरी सीधी तरह बता। नहीं नहीं मैम, गोली मत चलाने, गोली मत। डोंट शूट। रिया कहाँ है? प्लीज गन हटाओ प्लीज। जल्दी बता। डोंट शूट मैडम, डोंट शूट। मत कीजिए, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे मैडम। चौधरी शट अप। मैडम अपनी जगह से मत हिलिएगा। बाबी रुको, अरे रुको, छोड़ो मुझे। अरे वो से मार देगा, अरे छोड़ो मुझे। बिना किसी सबूत के तुम लोग, मेरी बात सुनो बाबी, मुझे फंसाना चाहते हो है ना? नो बाबी। हे नो डैमिट, अरे जाओ मुझे, अरे जाने दो। ड्रॉप द गन। नो बॉबी लिसन टू मी, ड्रॉप द गन। नो हम कुछ नहीं करेंगे, गन नीचे करो। बात मान लो बॉबी। नहीं मानूंगा बॉबी, प्लीज। सर देखिए अंदर मत जाइए, अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे जाने नहीं दिया ना तो यहाँ लाशें बिछा दूंगा। बॉबी देखो बॉबी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गन मुझे दे दो। मेरी बात मान जाओ बॉबी, शांत हो जाओ। मैडम, मैडम आई ओके? मैडम डॉक्टर को बुलाऊं? इन्फॉर्म कर दिया है, डोंट वरी, गोली बस छूकर निकली है। मैडम जख्म गहरा लग रहा है। चौधरी स्टॉप वारिंग, ये एनकाउंटर नहीं है, डिफेंस है। हमारे पास एविडेंस भी है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैडम। सत्या, श्वेता के मरने की वजह नहीं पता, बॉबी चुप क्यों था ये भी नहीं पता, हम ये भी नहीं जानते कि गौतम सच कह रहा है या झूठ, रिया नाम की लड़की है भी या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि वो गुनहगार मुझसे बचकर नहीं जा सकता। सत्या मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। तो मैं चलता हूँ सर, मैं चलो मैडम। आर यू ओके? या आर यू ओके? नो। ड्रिंक लोगे? ओके। सो अपनी बेटी के खोने के गम में श्वेता एंडेड हरसेल्फ, है ना? श्वेता की तो किसी को परवाह नहीं है। माय हस्बैंड, 2 साल पहले हमारी एनिवर्सरी के दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट पे ही खत्म हो गए। सिट। बुरा तो लगता है, पर इतनी दूर से आना, होटल में ठहरना, पुलिस के लफड़े में पड़ना, कोई इतना रिस्क नहीं लेता। उससे प्यार था। It's your life, damn it. He's my father, Satya. अपनों के दूर होने के दर्द से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो चाहते हैं कि मरने से पहले उनकी ये इच्छा पूरी हो जाए। मैं और श्वेता साथ में काम करते थे। उनसे मना करने की ताकत नहीं है और हाँ कहने की हिम्मत भी नहीं है। मेरा उनके अलावा और कोई नहीं है सत्या। हम शादी भी करने वाले थे। और गौतम? मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है श्वेता। 2 दिन के बाद गौतम से मेरी शादी है। I have to go. श्वेता, please don't go. Goodbye, Cynthia. मैम साहब, घर का पूरा काम हो गया है, ठीक है। मैं निकल रही हूँ। राजू, एक्सक्यूज मी।
और लक्ष्मी को घर छोड़ देना। जी मैडम। मंदोली स्टेशन क्या? जाओ तुम। जी मैम साहब। सॉरी। जब श्वेता ने रिया को ढूंढने में मदद मांगी तो मुझसे मना नहीं किया गया, मगर यहाँ सब रिया की किडनैपिंग छुपाने में लगे हुए थे। बॉबी, प्रिंसिपल, वो अफ्रीकन्स और गौतम भी, और उन सबकी बातें सुनकर मैं भी फंस गया ना। और ये बात श्वेता से बर्दाश्त नहीं हुई, सिर्फ एक काल्पनिक बच्ची की वजह से वो अपनी जान दे दे। श्वेता ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी मैडम। इससे बच्ची का प्रेजेंस साबित कैसे होगा? श्वेता के घर में रिया की हाइट मार्किंग्स हैं। श्वेता के आसपास सब लोग रिया के सबूत मिटा रहे थे, फिर भी श्वेता को ये फोटो मिल गई। रिया को बॉबी ने किडनैप किया था और बॉबी मर गया। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या? सिर्फ एक आदमी जानता है कि रिया कहाँ है और वो है गौतम। देखिए, गौतम को तो मैं ढूंढ लूंगा, मगर रिया को मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मेरा टारगेट गौतम नहीं है, रिया है। क्या आप लोग गौतम को अरेस्ट कर सकते हैं? किसी को भी बिना एविडेंस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, आई टेक केयर ऑफ इट। पता नहीं आपने अकेले में मुझे क्यों बुलाया, मगर एक बात सुन लीजिए, 2 महीने कोमा में रहने के बाद भी वो 4 साल पहले ब्रेकअप करके गए बॉयफ्रेंड को याद रखती है, मगर 2 महीने पहले अपनी खोई हुई बच्ची को याद नहीं रख सकती। मैं चलता हूं मैडम। चल बता, सत्य के अलावा कौन जानता है? ए, ए, बता, देख कौन है। सत्य, बाबू खान, सोचा था तुझे होटल में ही ठोक दूंगा। मेरा 100% किलिंग रिकॉर्ड है तेरी वजह से। बाबू खान, बाबू खान उठो, बाबू खान उठो, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूं तुम्हें। उठो, आंखें खोलो बाबू खान, बाबू खान, बाबू खान, बाबू खान,
सॉरी। हमें उस लड़की की कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फिर भी श्वेता को ये फोटो मिल गई। सर उस दिन पुलिस यहां पर आई थी। We don't have a daughter. Vasant Menon. मैंने उस बच्ची को देखा था सर, और बॉबी मर गया। रुके रुके सर, कहां जा रहे हैं? मुझे एसीपी से मिलना है। वो तो चले गए। पर कहां चली गई? मुझे नहीं मालूम, वो तो रोजाना इसी वक्त निकल जाते हैं। लक्ष्मी को घर छोड़ देना मंदोली स्टेशन के पास। भाई साहब, आप एसीपी मैडम के घर काम करने वाली लक्ष्मी को जानते हैं क्या? मैं उसे नहीं जानता। भाई तुम लक्ष्मी को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता सर। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं पता सर। नहीं जानते, नहीं जानते हम। मुझे नहीं पता सर। नहीं जानते सर। अरे मुझे नहीं मालूम, हमें ये एड्रेस नहीं पता। नहीं जानते, सॉरी नहीं पता। दूसरी गली से पता कीजिए। हम नहीं जानते मालूम। भाई साहब आप लक्ष्मी का घर जानते हैं? वो जो पुलिस वाली के घर काम करती है। हाँ वही। वो वहाँ सामने वाले घर में रहती है। उस घर में? हाँ। एसीपी कहाँ है? नहीं पता। ए, एड्रेस बता। महाबलीपुरम सर, ECR रोड। चौधरी फोन उठा। तरफ काम भाग रहा है। गन फेंक दो सत्या, फेंक दो। पुट इट डाउन नाउ। मूव। रिया के साथ क्या किया? रिया कहां पर है? चिल्लाओ मत, सो रही है, उठ जाएगी वो। सब पता चल गया ना, रिया मेरे पास ही है और रहेगी हमेशा के लिए, मेरी बेटी बनकर। गलत कर रही हो एसीपी। सही गलत से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे रिया अच्छी लगी, मैंने रख ली। वो गौतम को पसंद नहीं थी इसलिए उसे मारना पड़ा। What? ओह, तुम्हें नहीं पता था ना, वो किडनैपिंग ही थी, कार रॉबरी नहीं।
पैसे डिक्की में रखे थे और लड़की कार में थी। उसका प्लान लड़की को मारना था। ये सब मुझे कैसे पता, सोच रहे हो ना? I'll get this ready for you by 6. I'm on my way. I finished my work early. You are 2 hours early. Is that a problem? You have 3 days time. Let me know once you're done. And don't forget. Okay. I have your passports. What was that? Nothing. Nothing. बोलकर मेरे गले लग गई। फिर मुझे पता चला वो लड़की रिया है। नो नो, डोंट शूट, डोंट शूट। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, बताया था ना? वो अकेले नहीं मरे थे, मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा था, वो भी गया। किस्मत मेरी सारी खुशियां ले गई थी। ऋत्वी, रेनु, रेशमा, रिया। और देखो ना, रिया ने उस दिन मुझे माँ पुकारा। मम्मी। जब मैंने उसके मुंह से मम्मा शब्द सुना तो वो मेरे दिल में बस गई। तब मैंने फैसला किया, अब रिया मेरे साथ रहेगी। मैं रिया के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी की भी जान ले सकती हूँ, क्योंकि रिया मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? तुमने पैदा किया उसे? पर बचाया ना। मगर श्वेता को मार दिया ना। क्या, ये क्या बात हुई? वो कोमा में थी, उसके लिए उस पर तरस खाकर रिया को लौटा देना चाहिए था क्या? एक बच्ची की माँ का दर्द ना समझने वाली औरत एक अच्छी माँ कैसे बन सकती है, बताओ? तुम सच को छुपा नहीं सकती एसीपी। छुपा नहीं सकती, पर मिटा तो सकती हूँ। क्या चाहिए आपको? रिया चाहिए। गौतम ने सब कुछ किया, रिया से जुड़ी हर चीज, उसकी तस्वीरें, उसके कपड़े, खिलौने, सब कुछ मिटा दिया, पर एक चीज मिटाना भूल गया, रिया की हाइट के मार्क्स। उसने स्कूल प्रिंसिपल को रिश्वत से खरीदा, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, सबको नई कहानी सुनाकर उन्हें भरोसा करने पर मजबूर किया। श्वेता फिलहाल कोमा में है, जब उसे होश आ जाएगा और रिया के बारे में पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। डॉक्टर्स और पुलिस भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। मैं उससे कहूंगा कि हमारा कोई बच्चा ही नहीं है। आई थिंक दिस इज नॉट गुड आईडिया गौतम। अगर आपके पास इससे बेटर आईडिया है तो प्लीज बताइए। शांत हो जाए यार, शांत हो जाए। तुम मेरे शातिर दिमाग की तारीफ नहीं करोगे? किसी की जान लेने से किसी का नामो निशान मिटाना ज्यादा मुश्किल है, पता है? फॉरेनर्स को खत्म करना है तो कीमत ज्यादा लगेगी। मैंने उन नाइजीरियंस को मरवाया, किडनैपिंग वाला सीसीटीवी फुटेज भी मिटाया, फिर एफआईआर भी,
इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दीजिए, टाइम वेस्ट। रास्ते के सभी रुकावटों को मिटा दिया चालाकी के साथ। गन लो सिस्टमैटिकली। जो जरूरी लगा मैंने वही किया, क्लीन स्वीप। एक्चुअली श्वेता जब कोमा में थी तब मैं उसे भी मारने वाली थी, पर गौतम उसे जिंदा रखना चाहता था। रिया कहाँ है? रिया कौन है? किसकी बात कर रही हो? रिया कहाँ है गौतम? Where is रिया? वो चाहता था कि वो अपनी बेटी की याद से पल पल मरती रहे। रिया की डॉल थी, यहाँ रिया की तस्वीर थी, यहाँ भी रिया की तस्वीर थी। रिया कहाँ है? ये तुम्हें हो क्या गया श्वेता? वो यहीं पर तो खेला करती थी, हमारी बेटी। नो श्वेता, we don't have a daughter. No. बेटी के खोने के गम में वो सच में पागल हो रही थी। आपने मेरी बेटी को देखा क्या? आपके बच्ची है क्या? वो छोटी बच्ची है, वो यहाँ बैठ कर खेलती थी, आपने देखा? पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो, हमारी कोई बेटी नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मेरी बेटी रिया सच में है। आपको जरूरत पुलिस की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की है, जाकर इलाज करवाइए। अपनी बेटी के लिए उसकी तड़प और रोना देखकर गौतम बहुत खुश हुआ करता था। बेचारी। बेचारी वो नहीं थी, बेचारी तू है। बाज नहीं आएगा ना तू? मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान दे रहा है? ए, चिल्ला मत, वो सो रही है, जाग के नीचे आ जाएगी। क्या हो गया, घबरा गई ना? डर लग रहा है? तेरी वीकनेस पता है क्या है? तो खुद जानती है कि तूने गलत काम किया है। देखो तो, मैंने एक ही सवाल किया था, पूरी की पूरी राम कहानी सुना दी। अब मुझे किसी का भी डर नहीं, तू मेरा आखिरी शिकार है। क्या गौतम, गौतम क्यों रिया को मारना चाहता था? क्योंकि रिया गौतम की बेटी नहीं है। गुड बाय सत्या। सत्या, आंखें खोलो सत्या, 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 उठो सत्या। 14 साल की कैद होगी, पर मैं तुम्हें फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगा, क्योंकि तुमने 3 साल की मासूम बच्ची को मारने की कोशिश की। बहुत गिरे हुए हो तुम, कोई अपनी ही बेटी का दुश्मन कैसे हो सकता है? मिस्टर गौतम, श्वेता की रिपोर्ट्स तो ठीक ही लग रही है, बट आपकी रिपोर्ट्स में सॉरी सर, यू आर इम्पोर्टेंट। व्हाट? दूसरी औलाद के बारे में तो भूल ही जाइए, आपके नसीब में बाप बनना लिखा ही नहीं है। क्या बकवास है, मेरी 3 साल की बेटी है यहीं बाहर। वो आपकी बेटी हो ही नहीं सकती। रिया मेरी बेटी नहीं है, वो किसी और की बेटी है।
अपनी बेटी रिया को ढूंढने के लिए श्वेता ने तुम्हें क्यों बुलाया पता है? तुम्हारे अलावा मैं किससे मदद मांग सकती हूँ सत्या? रिया, सत्या, सत्या कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ सत्या। गुड बाय सत्या। श्वेता, श्वेता मुझे छोड़कर मत जाओ, श्वेता मुझे छोड़कर मत जाओ ना, प्लीज। आई लव यू। ए रुको, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। मिलने के लिए तैयार हो ना? सोचते कुछ और हैं, मगर किस्मत हमारा हाथ पकड़कर किसी और राह पर ले जाती है। कब क्या होगा, क्यों होगा, ये कोई नहीं बता सकता। उसने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया ये ना जानते हुए भी मैं आया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर इस खाली सी दुनिया में वो मेरे लिए कोई छोड़ गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। आप कौन हो? इतने बड़े शहर में मैंने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला।